लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद है आज वो है ग्रीव्स कॉटन जी। ग्रीव्स कॉटन बहुत ही चर्चा में रहा है रिसेंटली, ईवी को लेकर। एंड इसमें एक अच्छा मोमेंटम भी हमें देखने मिला, वॉल्यूम्स के साथ बड़ा ब्रेकआउट आया इसमें। 213 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है जी। जबरदस्त वॉल्यूम्स इसमें बिना पिछले एक महीने में हमें देखने मिले, एक दो महीने में बिल्डअप होते देखने मिले। डायरेक्टली शोज के जैसे गुड बाइंग एक्शन आउट हियर, मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो चुका है। एनर्जी वीकली मंथली चार्ट्स में अगर हम देखें तो जो जो हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ द बुल्स। आई थिंक द ओवरऑल ये मार्केट में मोमेंटम जो स्टॉक्स में पॉजिटिव हो वो स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। इसके लॉन्ग टर्म मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांग है। एंड मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस एनर्जी में कहूंगा कि इसके थे लगभग 180 190 के करीब, वो लेवल्स को निकाला है डिसीसिवली विद वॉल्यूम्स। That indicates के probability of this stock moving higher from here is quite high. 162 के करीब का एनर्जी स्टॉप लॉस रहेगा, तो 50 पॉइंट के आसपास का एक डाउनसाइड रिस्क है। अगर 212 के आसपास आप खरीदे 162 का स्टॉप लॉस रहेगा। टेक्निकली एनर्जी ये भी देखते हैं कि अगर इसका जो टारगेट ऊपर की तरफ बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है, 357 का टारगेट बन रहा है 357, सो दैट इज समवेयर अराउंड 150 140 पॉइंट्स का एक अपमूव मैं ये लेवल से भी देख रहा हूँ, विच इज मोर देन 50%। एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो नियरली अराउंड 1:2.5, 1:3 के करीब बैठेगा। सो आई थिंक जब इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, इतनी अच्छी पोटेंशियल अपसाइड की और वॉल्यूम्स भी दमदार देखने मिल रहे हैं, सो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा फिट बैठ रहा है लॉन्ग टर्म में ग्रीव्स कॉटन।